हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल एंड वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। तो कैसे हैं आप सब? मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब अच्छे हो और मैं भी बिल्कुल ठीक ही हूँ। तो चलो आज के दिन की शुरुआत करते हैं आप सभी के साथ। और आजकल मैं बहुत ज़्यादा बिजी चल रही हूँ, फिर भी मैं कोशिश करती हूँ कि मैं ब्लॉग शूट करूँ। बट क्या आपको पता है, जो भी काम होता है ना वो डबल हो जाता है अगर आप शूट करते हो। तो उसके बाद भी मैंने सोच के रखी हूँ कि मैं आप सभी के साथ डेली एक ब्लॉग तो शेयर करूंगी, फिर क्यों ना वो एक छोटू सा मिनी सा ब्लॉग ही हो। जस्ट फ्री हुई मैं सिर्फ अंदर की क्लीनिंग से, अब मुझे बाहर जाकर बाहर की क्लीनिंग भी करना है। और जितना टाइम मुझे अंदर लगता है क्लीनिंग करने में, सेम उससे ज़्यादा टाइम मुझे, सेम तो नहीं बोल सकते, सुबह उठने के बाद जल्दी जल्दी क्लीनिंग वाला काम करना होता है। सबसे पहले तो मैंने बेड बना दी, उसके बाद जैसे कि अब विंटर सीजन आ चुका है तो सारे जैकेट स्वेटर इनको मैंने मशीन में लगा दी थी धुलने, और जब तक कपड़े धुलेंगे तब तक मैं अपना झाड़ू कर लूँगी। फिर मैंने सोची जो अंदर प्लांट्स हैं ना उनकी थोड़ी सी क्लीनिंग की जाए, तो यहाँ बैठ के शांति से फिर थोड़ी देर मैंने सोची अभी मैं पौधों को देख लेती हूँ। मुझे लगता है 15 डेज हो चुके हैं इस वाले प्लांट को मुझे अंदर आए हुए। अब मैं इनको बाहर कर दूंगी सनलाइट में। कुछ मेरे पास दूसरे इंडोर प्लांट्स हैं जो बाहर मैंने सनलाइट में रखी थी कुछ दिन से, उनको अब मैं यहाँ अंदर रख दूंगी। तो सेम मेरा ऐसा रूटीन चलते रहता है। मैं आ गई हूँ बाहर। पता है अभी मैं आपको दिखा रही थी कि कुछ जो बर्ड्स है ना वो लड़ाई कर रहे थे। ये तो मैं बोल रही हूँ ना, लड़ाई कर रहे थे, ये तो मेरी थिंकिंग है। नहीं, मुझे ऐसा लगता है कि वो लोग बातें कर रहे थे। हाँ, शायद हो भी सकता वो लोग बातें कर रहे हो। तो एनीवे, अब बाहर की क्लीनिंग में लगूंगी। तो पता है यहाँ पर डेली झाड़ू लगाना ही पड़ता है, इवन कभी कभी दो टाइम, क्योंकि इतने सारे प्लांट्स हैं, मतलब बड़े बड़े पेड़ हैं, तो उनकी पत्तियाँ डेली गिरती है। और अब इस वाले सीजन में तो बहुत ज़्यादा पत्तियाँ गिरेगी। और अगर मैं किसी दिन सोचूँ कि आज मुझे, मैं थक गई हूँ, मुझे बाहर झाड़ू नहीं लगाना है, तो उस दिन डेफिनेटली कोई ना कोई मेहमान ज़रूर आते हैं, या फिर कुछ लोग मतलब बाहर आके बैठते हैं, तो फिर उस दिन तो ऐसा होता है। इसलिए बाहर की क्लीनिंग भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है। लुक एट दिस मनी प्लांट, इट्स लुकिंग सो हेल्दी, मतलब बहुत ज़्यादा। पहले पता है ये बिल्कुल डल डल सा था, फिर मैंने इसको सनलाइट में रखी, थोड़ा सा वहाँ पानी दी, और थोड़ा सा ना शावर करना आप मनी प्लांट को, वो इतने हेल्दी हो जाते हैं ना। मतलब मैंने कहीं पढ़ी थी कि मनी प्लांट्स को शावरिंग बहुत ज़्यादा पसंद है, तो सच में ये एकदम से खिल गए। और इतनी सारी बर्ड्स हैं ना, मुझे लगता है वो लोग अभी खेल रहे हैं, क्योंकि डेली सुबह सुबह ऐसा मोस्टली ऐसा रोज़ होता है। बाहर के कुछ पौधे थे तो मैंने सोची अभी आज मैं इसमें थोड़ा थोड़ा पानी डाल देती हूँ। वैसे भी विंटर डेज में आप प्लांट्स को ज़्यादा वाटरिंग नहीं कर सकते हैं, वरना जो आपके प्लांट्स हैं ना वो बहुत जल्दी ख़राब हो जाएंगे, सड़ जाएंगे और बस बेकार हो जाते हैं। अब आ गई हूँ मैं किचन में, और थोड़े से फ्रूट्स मैंने सुबह उठी थी ना तब धो के रख दी थी, और अब ये सूख चुके हैं तो इनको मैं यहाँ रख दूँगी बास्केट में। वैसे मैं बहुत कम, मतलब रेयरली ऐसा होता है कि फ्रूट्स को मैं फ्रिज में रखूँ। अभी विंटर डेज में तो वेदर इतना अच्छा रहने वाला है, तो आपको फ्रूट्स को तो फ्रिज में स्टोर करने की ज़रूरत पड़ने वाली नहीं है। अभी मैं थोड़े से जो फ्रूट्स हैं ना उनको कट करके फ्रूट
चाट बट हाँ बनाऊंगी। अभी तक अपनी मैंने सुबह वाली चाय नहीं पी हूँ, तो सबसे पहले तो मैं अपनी सुबह वाली चाय पीऊँगी। वैसे तो मुझे फ्रूट्स खाना था बट अभी मेरा मन नहीं है और बाद में मुझे आलस आता है। अगर काट के रख दूँ और मुझे ऐसे मिल जाए इजीली कटा हुआ तब मैं खा लेती हूँ। तो अभी तो मैं पीऊँगी फ्रूट। कट करने के बाद मैंने एक साइड गैस पर चाय भी चढ़ा दी हूँ। तो जब तक यहाँ हमारी चाय बन रही है तो मैंने सोची बैठ के मैं अपने फ्रूट्स कट करके रख दूँगी। वैसे तो पहले से फ्रूट्स कट करके नहीं रखना चाहिए बट मुझे बाद में खाना है इसलिए मैं रख दे रही हूँ। बट सबसे पहले तो मैं इंजॉय करूँगी अपनी मॉर्निंग टी, और चाय के बिना तो हमारी सुबह हो ही नहीं सकती है। मुझे बनाना था खाने के लिए मिक्स सैलेड। वैसे खाना बन चुका है। खाने में मैंने बनाई हूँ दाल और बाटी, और इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा थक गई थी। फिर मैंने सोची इसके साथ मैं मिक्स सैलेड बना लेती हूँ। तो मैंने देखी फ्रिज में जो जो वेजिटेबल्स थे, मैंने सारा सब कुछ निकाल ली। लाइक कैरेट, कैबेज और बीन्स थी, मैंने वो भी कट कर ली। बीट रूट था, उसको भी मैंने कट कर ली। और वैसे तो मैं इसको चॉपर में चॉप कर सकती हूँ बट वो है ना, फिर वेजिटेबल बहुत ज़्यादा बारीक हो जाते हैं, वो बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है। और फिर सब इन सबको मिक्स करके इसमें से मैं ऐड कर दूँगी थोड़ा सा नमक, चाहे तो आप धनिया ऐड कर सकते हैं, चाट मसाला, मिर्च, हरी मिर्च ऐड कर सकते हो या फिर चिली फ्लेक्स, और लास्ट में आप इसमें थोड़ा सा ऑलिव ऑयल ऐड करना। खाने में बहुत ही टेस्टी लगता है ये वाला मिक्स सैलेड। अगर आपके घर पर बच्चों को सैलेड नहीं पसंद है तो आप उनको ऐसे मिक्स सैलेड बना कर देना, तो वो ज़रूर खाएंगे। हेलो बेबी ब्रूनो, शाम का टाइम है और कुछ देर पहले आया श्वेत स्कूल से, और अभी मैं अपना आड़ू बुखारा मतलब हिंदी में इसको बोलते हैं आलू बुखारे, बट ये आलू बुखारे नहीं, पता है ये क्या है, ये आड़ू है। आड़ू बट जो आलू बुखारे होते हैं ना वो थोड़े ज्यादा खट्टे होते हैं और मुझे ज्यादा पसंद है पर्सनली। बट छोटे भी आते हैं। हाँ, वो छोटे आते हैं। मुझे देखने में कम खट्टा है तो अच्छा लगा। दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब एंड आल्सो प्रेस द बेल आइकन। आल्सो मिलते हैं हम आपसे एक नए वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय दोस्तों। आपको नॉइज आ रही होगी बिकॉज साइड में जो खेत है वहाँ चल रहा है ट्रैक्टर, मुझे लगता है बोनी चल रही है ना। हाँ फिर आप क्या करोगे? नहीं सूख गया तो भी कितना प्यारा लग रहा है। देखो एक बार। हाँ जरा मम्मी वो कैप दीजिए। एक ये वाला भी रहा है, ये वाला उस साइड वाला। के बाद पता है मैं ऐसे सनसेट देख रही हूँ। गंदा मत करो। प्यारा सा भालू श्रेयस। सॉरी मामा जी, चेन्नई एक्सप्रेस।
आप क्यों जाओगे, तो वो लेके चलो। आज के ब्लॉग में बस इतना ही, इस वाले ब्लॉग को मैं यहीं एंड करती हूँ। और हाँ, आपको वीडियो अच्छा लगा हो सो प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं आपसे एक नए वीडियो में, तब तक के टेक केयर एंड बाय बाय गाइस।